एक समय की बात है, एक राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था। उसके राज्य में एक जादूगर भी रहता था, जिसका काम बच्चों को पढ़ाना था और अच्छी सीख देना था। आज उस राजकुमार का जन्मदिन था। वह जादूगर के पास गया और बोला, जादूगर जी, मेरा आज जन्मदिन है, जो मैं कहूँगा आप मुझे देंगे? जादूगर ने कहा, हाँ राजकुमार, बताइए आपको क्या चाहिए। राजकुमार ने कहा कि आज मुझे चलती हुई तेज हवाएं और साथ में बारिश भी चाहिए, क्योंकि मुझे आंधी बारिश बहुत अच्छी लगती है और लोगों के रंग बिरंगी छतरियां उड़ती हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। जादूगर ने यह सुना और सोचने लगा कि भला यह कैसी मांग। राजकुमार अपने जन्मदिन पर भला कोई आंधी बारिश चाहता है? इससे तो कोई आपके जन्मदिन पर आएगा ही नहीं और आप असली खुशी नहीं पा सकेंगे। राजकुमार बोला, असली खुशी? यह असली खुशी क्या होती है? जादूगर ने राजकुमार को समझाया, राजकुमार असली खुशी जन्मदिन की तब होती है जब लोग आपको जन्मदिन पर आते हैं और आपको हैप्पी बर्थडे और कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसे विशेष देते हैं और बहुत सारे तोहफे भी लाते हैं। और हमने आपके जन्मदिन पर एक महोत्सव भी रखा है, जिसमें खेल दिखाने वाले, जोकर और बहुत से लोग अपनी प्रतिभा से आपका मन बहलाएंगे। इसे जन्मदिन की खुशी कहते हैं राजकुमार, ना कि आंधी बारिश में अपने कमरे में रहने को कहते हैं। राजकुमार खुश होकर बोला, थैंक यू जादूगर जी, मुझे सच्ची खुशी का मतलब समझाने के लिए। फिर राजकुमार का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सारे कलाकारों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए और सारे लोगों ने राजकुमार को बहुत सारी बधाइयां दी और ढेर सारे तोहफे दिए। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और राजकुमार के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी क्रीम वाला बड़ा सा केक बनाया गया। फिर जादूगर ने राजकुमार से पूछा, क्यों राजकुमार, क्या आपको अपना जन्मदिन अच्छा लगा? राजकुमार ने कहा, हाँ जादूगर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से राजकुमार ने सीखा कि खुशियाँ अकेले रहने से नहीं आती, सबके साथ रहने से आती हैं। और इस तरह राजकुमार का जन्मदिन खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जन्मदिन भी इसी तरह सबके साथ मनाया जाए।